अनार का जो सूट भी कटिंग करेंगे। तो मैंने इसका शोल्डर रखा है 5.5। 5.5 पे हम इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स तैयार कर देंगे और इसके बाद हम राउंड शेप देंगे और इसे गोल कर देंगे। अब हम गले पे आएंगे। गले की चौड़ाई मैंने इसे 2.5 इंच रखी है, लेंथ इसकी 3.5 और इसे भी राउंड शेप देते हुए गोल कर देंगे। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हो पर मैं इसमें गोल शेप दे रही हूँ। यहाँ से मैं बैक की रख रही हूँ, लेंथ इसकी 1 इंच, यहाँ से तो इस तरह से हम गोल कर देंगे इसे भी, क्योंकि मैं बैक की तरफ चैन लगाऊंगी। और चेस्ट में रख रही हूँ 1/4 हिस्सा, 6 इंच। यहाँ से हमारी कमर है 5.5 और 1 इंच हमारा मार्जिन का हो गया। तो इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग हो गई। यहाँ से हम शोल्डर को भी डाउन कर देंगे 1/2 इंच। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट होगी ड्राफ्टिंग। अब हम इस पर कटिंग करेंगे। ये कट जाने के बाद हम बैक को अलग कर देंगे इसमें से। ये हमारा बैक हो गया। अब हम इसमें फ्रंट की कटिंग करेंगे जो हमने गले की शेप दिया था। इस तरह ये हमारा बैक हो गया। यहाँ से हम चैन लगाएंगे तो हम यहाँ से थोड़ा तो मैं 3.5 इंच ओपन रख रही हूँ पीछे से जो चैन लगाऊंगी मैं इसमें। इस तरह से तो ये हमारा बैक और फ्रंट की कटिंग हुई। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे कटिंग करने के लिए मैंने इसे ट्रायंगल शेप दिया है इसमें इस तरह से, और इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी ये कमर है उसी को लेकर निशान लगाएंगे। तो इसे डायरेक्ट इस तरह ना काट कर हम इसे गोल शेप देंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी इसमें। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे कितनी है लेंथ इसकी। तो इसकी लेंथ है 7 इंच। यहाँ पर भी हम बीच में भी 7 इंच लगाएंगे और 7 इंच हम यहाँ से भी, और इसे एक राउंड शेप देते हुए गोल कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई घेरे की। ये हमारे 2 पार्ट हो गए इसमें, बैक और फ्रंट के। तो इस तरह से अनारकली सूट की घेरे की कटिंग हो गई यहाँ से। इस तरह से ज्वाइंट हो गई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बैक और फ्रंट को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो हमारा अनारकली सूट बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से वो टॉप है
जो ऊपर की तरफ बनता है, और ये हमारा नीचे का घेरा है जो अनारकली सूट बनकर तैयार हो जाएगा इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।